ये चंद्रा रिवर है एंड ये है आपकी भागा रिवर एंड ये मिलके बनती है चेनाब रिवर। ओह ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। एंड ओह चंदन भाई वहाँ का व्यू लेने वाले हैं, बट यहाँ का फ्लो इतना क्लासी है ना भाई, सही लग रहा है। इधर का फ्लो कम हो गया बट इधर का फ्लो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हाइट का इशू है। ये चंद्रा है, ये भागा है और मिलके बोलती है चेनाब रिवर। ये चेनाब रिवर है बट ये काफ़ी अच्छा है यार। हाँ तो मैं बता रहा था लद्दाख जाओगे तो आपके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, आपको लद्दाख के लिए मई में, मई के लास्ट में आपको आना है, मई या जून में तभी स्टार्ट होगा, अदरवाइज ना आपको रोक देंगे ये लोग। यार गाइस एक और चीज़, जब भी अगर आप आते हो ना तो यार गंदगी इधर मत फैलाया करो। देखो यहाँ पे लोगों ने ये चीज़ फेंक दी है, दारू की बोतल है ये सारी चीज़ यहाँ फेंक दी है यार, सही नहीं लगता, मतलब इतना गंदा लगता है। आप लोग आया करो, अगर आप पीते हो दारू तो भाई बोतल को साथ में ले जाया करो ना, वहाँ रख दिया करो, इतने सारे डस्टबिन मिलते हैं रास्ते में, बट नहीं आपको ऐसे प्लेसेस पे ही फेंकना है, सही नहीं लगता यार, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अगर बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें अच्छा लगना चाहिए यार। और आप लोग भी ऐसा करोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों पर भी यार, तो पता नहीं मेरी बात आपको ध्यान देनी होगी या नहीं, बट ये चीज़ ध्यान देना। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। चले हाँ वही जा रहे हैं अभी, उसके बाद प्लान बनाते हैं फिर लौट के सीधे निकलेंगे। टूरिज्म के मैप में कहाँ पे ओके ओके, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ तो अंकल जी पीछे थे ना, उन्होंने हमें बता दिया कि दादा चले दो, वहाँ पे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और आपको व्यू भी अच्छा मिल जाएगा। तो अब आए हैं इधर साइड तो पूरा घूम के जाएंगे यार। ये चलो, हाँ चलो का रास्ता भी थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, बेसिकली यहाँ पे एक ब्रिज बन रहा है तो इसीलिए, एंड भाई रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ है यहाँ का। तो सो गाइस वो वैसे ना अभी तक रास्ता में अच्छा ही मिला है, बट अभी जो रास्ता आ रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे आइस है ना जो मेल्ट हो गई है, तो इसके चक्कर में यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी हो गई है। यहाँ पे काम चलता रहता भाई, क्योंकि देख रहे हो ना रास्ता एंड यहाँ पे ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ से लैंडस्लाइड होने में टाइम नहीं लगेगा, हाल हो जाएगी। और सामने पहाड़ का व्यू देखो गाइस, लाइक इधर देखो पहाड़ कैसे है, इधर देखो, इधर आइस नहीं है और उधर आइस है, भाई क्या क्लास ही लग रहा है। दारचा तक ना, अच्छा हाँ वहाँ से पुलिस वाले रोके लेंगे। तो बेसिकली भैया बता रहे हैं लद्दाख के लिए रास्ता खुल जाएगा कुछ दिनों में, तो लेट्स सी। हम लोग ये आर्मी चीफ आज आए हुए हैं ना, वो इसका लद्दाख का रास्ता खोलने के लिए आए हैं। आप कहाँ से भैया? यहीं से। ओके थैंक यू, नाइस टू मीट यू। मैंने कैमरे को ना आंटी के पास रख दिया था ना, तो आंटी जो पानी भर रही थी वहां से पढ़ाई कर रही थी आंटी, मतलब कितना कूल है यहाँ के लोग यार, मतलब मुझे लगता है यहाँ के लोग बहुत ही कूल है। एंड गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, तो भाई गवर्नमेंट बहुत दबा के यहाँ काम कर रही है। देखे उनको दीवाने हो के कोई कितना भी हमको टोके, खुली हवा हो खुला समां, जागे हुए हो जब अरमां, बेबे 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 नहीं।
अभी डारचा इज 24 किलोमीटर, अभी डारचा यहाँ से 24 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो अभी हम जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से डारचा के लिए। एंड गाइस यहाँ पे पोस्टर कितना सही लगा हुआ है, ये क्या लिखा, ड्राइविंग रिस्की आफ्टर रिस्की, ये काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स लिखे हुए हैं उन्होंने। तो गाइस डारचा भी यहाँ से 9 किलोमीटर डिस्टेंस पे रह गया, हमने थोड़ा रेस्ट किया था क्योंकि भाई मेरी पीठ अकड़ गई थी भाई बहुत गंदी तरीके से, और पैर की नस चढ़ गई थी, तो मैंने बोला भाई रोको पहले, मैंने पहले रेस्ट करने दो तब चलेंगे, थोड़ा रेस्ट किया तब जाके अब सही लग रहा है। अभी चल रहे हैं डारचा, 9 किलोमीटर है डारचा जाके, फिर हम रिटर्न लेना है क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं और हमारे चंदन भाई तैयार हो गए हैं, अभी उनके हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इन्हें अब ग्लव्स पहनना पड़ रहा है, बाकी यहाँ पे धूप है ना तो यार मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर लग नहीं रहा इधर। चलो भाई जल्दी जल्दी थोड़ा आगे कर लो, यहाँ पे नीचे बहुत वो है। रास्ते में इतना सारा बर्फ मिलेगा ना आपको, मतलब दोनों साइड से कवर है, लुक एट दिस। रास्ता यहीं तक बंद है डारचा तक, उसके बाद लेह लद्दाख तक कब खुले सर? कहाँ पे बीआरआई बता सकता है इसको सर, बस यहीं तक है। और ये कब तक खुलने के चांसेस होते हैं? सो गाइस डारचा की जो स्टॉपेज है ना वो यहीं पे है, लास्ट क्रॉसेज यहीं पे, जो मतलब इतना तगड़ा व्यू आ रहा था ना वहाँ से आगे पुलिस वाले भैया हैं, उन्होंने मना कर रखा है कि आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि जो लेह लद्दाख वाला रास्ता है वो अभी क्लोज्ड है, बाद में खुलेगा, पता नहीं कब खुलेगा वो, अभी मार्च या वो मैं बता रहा हूँ ना मई के लास्ट में या फिर जून के लास्ट में खुलेगा, बट जो पेट्रोल वाले भैया थे वो थोड़ा डिफरेंस बता रहे थे, तो पता नहीं जितने लोगों से पूछोगे वो सब थोड़ा डिफरेंस बताएंगे, तो इसीलिए बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना अगर आप लेह लद्दाख आना चाहते हो ना तो मई या जून में आना तभी सही रहेगा, बाकी का इन्होंने स्टॉपेज का लगा रखा है। एंड एक और अच्छी चीज़ कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, लाइक भाई हम लोग इतनी पहाड़ियों के बीच में घूम रहे हैं कुछ हो गया तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। बाकी का चंदन भाई ने मैगी के लिए बोल दिया, सो मैगी बन रही है, चाय के लिए बोल दिया, तो हमारी चाय बन रही है। एंड लुक एट दिस गाइस, क्या तगड़ा व्यू है, एंड यहाँ पे बहुत सारा सामान आ रहा है, मतलब ये कैसे सर्वाइव करते होंगे भाई, तो सारी चीज़ें यहीं पर आ रही हैं। चंदन दादा कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? हाँ लाइक कितना रोड, इतने प्यारे प्यारे रोड से यार, हाँ हाँ ना, मोमोज नहीं चाहिए भैया, बस हमारी चाय बन जाए वो बेटर है, एंड रास्ता क्लोज है तो अच्छा, अब हम यहाँ से रिटर्न कर लेंगे, तो ऑलमोस्ट 4 बज चुका है और मे भी 7 या 6:30 बजे हम पहुँच जाएंगे मनाली के लिए। भाई काफ़ी सही लग रहा है, एंड मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, एंड वो रास्ता काफ़ी सही है यार, ये देखो ये वाला ब्रिज कितना सही है, ऑसम। यहाँ पे ठंडा कैसे कर रहा है, मतलब बोतल को ठंडा यहाँ पे आइस में, मतलब किसी को ठंडा चाहिए ना फिर भी आइस ले लो यहीं से उठा के ठंडा कर लो वहाँ पे। लुक एट दिस, ये कितना प्यारी है, मतलब रिवर है, मे बी इसमें पानी है ही नहीं, मे बी यहाँ से जब बर्फ़ को मेल्ट होती होगी ना तो यहाँ पे पूरा फो हो जाता, फिल हो जाता होगा, बट लेट इट बी गो, अभी जाते हैं घर, काफ़ी सही लग रहा है, मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस मेरा, मतलब मेरे को इतने दिनों बाद
कुछ अच्छा देखने को मिला है। हाँ अभी तो एक दिन हुआ मेरे को, अभी तो 7 days हमें और ट्रेवल करना है इधर। हम काजार जाने वाले थे बट वहाँ का भी रोड ब्लॉक है तो उन्होंने वहाँ के लिए अलाउ नहीं है, बट होपफुली हम जाएंगे। बट मे बी यार अप्रैल में शायद खुल जाए, तो शायद अप्रैल में हम जा सकते हैं। बाकी गाइस ये देखो आप यार, इट्स ऑसम। बट वहाँ पे एक मैगी पॉइंट है, वहाँ पे आप जाके खा सकते हो कुछ भी, मैगी मोमोज जो खाना है आप खा सकते हो। लास्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट पे सब चीज़ें। बेसिकली हमारी वर्किंग लोकेशन है ना वो पुणे है, बट मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, ये लखनऊ। बढ़िया बढ़िया। आगरा में वो कौन सा, आगरा के पेठे कौन सी दुकान? हाँ, पंची पेठा। आओ कभी। मैं रसबेरी पेठा खाया था अभी चंडीगढ़ में। अच्छा तो आप अभी ट्रेवल करने आए इधर? हाँ अभी ट्रेवल। मतलब कितने दिन के स्टे? कहाँ से कब कहाँ पे हो आप? मैं अभी मनाली के पास रुका। कौन सी जगह? हरिपुर। अरे हम लोग ना ओल्ड मनाली में रुके, हम हमारा भी यही है 1 month के लिए स्टे है यहाँ पे। हाँ। तो हम भी यहीं से वापस कर रहे हैं। ओल्ड मनाली कैसे है रहने के लिए? अच्छा है, मतलब हमने रह सकते हो, हम लोग का महीने भर का स्टे था तो हम लोगों ने ओल्ड मनाली चुन लिया। हाँ लेकिन सही है। कॉफी क्या? हाँ पूछो ना। बाकी जो भैया थे तो पुणे से एंड ये भी वहाँ के वैकेशन कर रहे हैं इधर से मनाली से, तो हम भी वैकेशन ही कर रहे हैं। लेकिन तगड़ा एक्सपीरियंस है यार, 5 दिन काम करो और घूमो सैटरडे संडे, अच्छा लगता है यार, मजा आता है। हे व्हाट्स योर नेम? ये मुझे नहीं लगता इसका हमारी लैंग्वेज समझ में आती होगी। हमारी लैंग्वेज समझ में आती है आपको? चंदन भाई का हंस कितना सही रहा है। क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो? आपकी बेबी ने हमें परेशान कर दिया। हेलो। नहीं अच्छा है यार। अच्छा बाकी हमारी चाय आ गई गाइस। हाँ नहीं 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 मेरे को नहीं, आयो ना दादा यहाँ बैठते हैं। अरे उसे हिंदी आती है भाई। क्यों फेंक रहो? मत फेंको ना, चंदन दादा के पीछे पड़ गया ये। चंदन भाई ने दोस्ती कर लिया उससे, घर लेके चलो। अब क्या करोगे, अब तो खत्म हो गया। कितना हो गया? खत्म हो गया, कुछ करना पड़ेगा आपको। बड़ा मजा आया। सो गाइस इस वीडियो के एंडिंग भी यहीं करते हैं, हमने पूरा घूम लिया एंड यहाँ से अब हम निकलेंगे ओल्ड मनाली के लिए। वहाँ से आगे नहीं जाएंगे, मतलब यहाँ से आगे कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे एंडिंग हो गई। एंड ये है डारचा, अगर आप आओ तो यहाँ पे आ पाओगे अभी, क्योंकि लेह लद्दाख वाला रास्ता बंद है। तो अभी हम निकल रहे हैं ओल्ड मनाली के लिए, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं लेंगे। सो गाइस इस वीडियो की एंडिंग भी यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।